हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनंत गौड़। टुडे वी आर स्टार्टिंग सेवंथ क्लास हिस्ट्री। इट इज़ ए फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर नेम इज ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू ए थाउजेंड ईयर्स। हजारों साल के अंदर आए हुए परिवर्तन को हम जांचेंगे किस तरह से वे परिवर्तन आए हैं। तो चलिए अब हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो लेसन के अंदर सबसे पहले ही बात दे रखी है कि हमें मैप नंबर वन और मैप नंबर टू को देखना है। तो ये जो है मैप नंबर वन है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये नंबर वन है मैप नंबर, और ये नंबर टू है। जो मैप नंबर वन है, वो 1154 में अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। और अल इदरीसी कौन था? ये अरब का एक ज्योग्राफर था। ज्योग्राफर माने होता है भूगोलवेत्ता था, जो कि भूगोल को जानने वाला था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। और ये जो है ऊपर जो मैप दे रखा है, ये एक बड़े से मैप का एक छोटा सा हिस्सा है। जो वर्ल्ड का मैप है उसका एक छोटा सा हिस्सा दिखा रखा है। अब हम मैप नंबर टू की बात करें, ये जो है 1720s में बनाया गया था और फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा इसको निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर कार्टोग्राफर जो वर्ड दे रखा है उसका मतलब क्या होता है? कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार। वो व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसको कार्टोग्राफर के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं इस मैप की विशेषता क्या बता रखी है। जैसा कि हमने इसके बारे में जान लिया है कि ये भी इंडिया का मैप है, मगर इसमें श्रीलंका को ऊपर दिखा रखा है और नीचे का जो आज हम उत्तर का भाग कहते हैं उसको नीचे की ओर दिखा रखा है। और दूसरा जो मैप है वो आज भी हम जो मैप देखते हैं वैसा ही मैप दिखाई देता है। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी बारीकी तौर से दी गई है। और एक और बात, विशेष बात इसमें ये भी बता रखी है कि जो पहला मैप है उसके 600 साल के बाद में इस मैप को तैयार किया गया था और इसमें छोटे छोटे जो हम एरिया भी देखना चाहें, जैसे कि कन्नौज को भी यहाँ पर पार्सियन लैंग्वेज में लिख रखा है, और यहाँ पर जो कोस्टल एरिया है उसको भी बड़ी खूबसूरती के साथ में डार्क करके दिखा रखा है, और कोस्टल एरिया के पास में काफ़ी चीज़ यहाँ पर दिखा भी रखी है। फिर हम आगे देखते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी को हिंदी में शब्दावली कहते हैं। और टर्मिनोलॉजी जो शब्द है वो टर्म से बना है, टर्म जिसको शब्द कहते हैं। तो नए और पुराने जो शब्दावली है, शब्दों को हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या बदलाव है। तो समय के बदलाव के अनुसार ही भाषा के अंदर भी काफ़ी बदलाव आता है। जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ जाता है, और जिस वर्ड का हम पुराने समय में यूज करते थे, अर्थ लेते थे, वो आगे चलकर उसका मतलब बदल जाता है। तो किस तरह से मतलब बदलता है, जैसे इसमें पर्शियन थी वो आज की जो मॉडर्न पर्शियन से काफ़ी अलग मानी जाती है। पर्शियन माने फारसी भाषा, जो मध्यकाल की फारसी भाषा थी वो आधुनिक भाषा से काफ़ी अलग मानी जाती है। न केवल उसके अंदर ग्रामेटिकल देखी जाती है, व्याकरण के तौर पर देखी जाती है या शब्दों के अंदर देखी जाती है, बल्कि उसके अर्थ के अंदर भी काफ़ी चेंज देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक वर्ड का हम देख रहे हैं एग्जांपल, हिंदुस्तान। जो आजकल हम हिंदुस्तान जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं आज वर्तमान में, वो हमारे पूरे देश को दिखाने के लिए, इंडिया जो भारत देश है उसको संबोधित करने के लिए करते हैं। मगर 13वीं सेंचुरी में जो हिंदुस्तान जो वर्ड का प्रयोग मिन्हाज ए सिराज ने यहाँ पर जो पंजाब का, हरियाणा का और गंगा यमुना के बीच का जो एरिया था उसको दर्शाने के लिए किया था, और जो क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में आता था उसके लिए इस शब्द का यूज किया गया था। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं मिन्हाज ए सिराज कौन था। मिन्हाज ए सिराज एक इतिहासकार था जो कि पार्शियन भाषा में लिखता था। क्रॉनिकलर क्या होता है? क्रॉनिकलर जो कि इतिहास को लिखता है, इतिहासकार ही होता है। इसके अलावा इसमें ये भी बात बता रखी है कि इसने कभी भी साउथ इंडिया को हिंदुस्तान के अर्थ में कभी भी शामिल नहीं किया। फिर इसी तरह से बाबर जो था, जो 16वीं सेंचुरी में भारत में आया था, इसने भी हिंदुस्तान शब्द का यूज किया,
और हिंदुस्तान जो शब्द है उसने बाबर ने यहाँ की जो ज्योग्राफी को देखकर, यहाँ की जो भूगोल है उसको देखकर कि ज़मीन कैसी है, या यहाँ पर फना जो देखे जाते हैं कि भी यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे, जीव जंतु कैसे है, या यहाँ पर का जो कल्चर, जो लोगों का जो अलग अलग तरह का कल्चर था उसको लेकर उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का मतलब निकाला। और बाबर की तरह ही अमीर खुसरो जो कि एक पोएट था 14th सेंचुरी का, उसने भी इस तरह के शब्द का प्रयोग किया था। अब हम आगे देखते हैं, इसमें एक और वर्ड दे रखा फॉरनर। अब फॉरनर जो वर्ड है वो प्राचीन काल में, ठीक है, फॉरनर हम किसके लिए करते हैं, जो बाहर देश से, दूसरे देश से आता है, जो इंडियन ना हो, भारतीय ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं ना। था मध्यकाल में जो फॉरनर जो शब्द है वो उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो कि उस गांव का ना हो, ठीक है, जो कि उस गांव में, किसी गांव में अजनबी व्यक्ति होता था उसको फॉरनर के रूप में यूज करते थे, और या उस सोसाइटी का या समाज का या संस्कृति का कोई का ना हो, ठीक है, अलग संस्कृति का हो या उसके अलग सोसाइटी हो, तो उसको भी फॉरनर के रूप में यूज करते थे। अब हिंदी में जो फॉरनर जो शब्द है उसको परदेशी कहा जाता है। हिंदी में फॉरनर के लिए या विदेशी के लिए परदेशी शब्द का यूज किया जाता है। इसी तरह से पार्सियन यानी कि फारसी भाषा में अजनबी शब्द का यूज किया जाता है विदेशी लोगों के लिए। और किसी शहर में कोई भी गांव से आ जाता था तो उसके लिए भी फॉरनर का यूज करते थे। तो इस तरह से अलग अलग मतलब निकाला करते थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं डिफरेंट सोर्सेज, जो हिस्टोरियन होते हैं, हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज, जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार और उनके स्रोत। अब उनके स्रोत कैसे हैं, देखो भी जो हिस्टोरियन होते हैं वो अलग अलग पीरियड को जानने के लिए अलग अलग तरह के जो सोर्सेज का यूज करते हैं। हमने 6th क्लास में गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया है और हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ा था, मगर इस क्लास में हम हजार सालों के दौरान क्या हुआ था और ये जो टाइम पीरियड है 700 से 1750 के बीच में जो जो काम हुए थे उसको हम यहाँ पर देखेंगे इस बुक के अंदर। 700 से 1750 के दौरान जो भी बदलाव आए हैं उसको हम देखेंगे। अब इस काल में कुछ बदलाव तो पहले की तरह रहे और उनको जानने के लिए हिस्टोरियन ने वही चीज़ों का यूज किया जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि कोइंस का और इंस्क्रिप्शन जिसको अभिलेख कहते हैं, आर्किटेक्चर जो कि भवन निर्माण की जो विधि थी, या टेक्सचुअल जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड से के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, तो वे सारी चीज़ें तो बाकी वैसी की वैसी है। मगर अब थोड़ा सा कुछ ऐसे भी स्रोत थे, ऐसे भी सोर्सेज थे, उनका यूज किया जो कि पहले नहीं थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें टेक्सचुअल रिकॉर्ड, पहले टेक्सचुअल रिकॉर्ड कम होते थे, लिखे हुए जो जो होते थे वो कम होते थे, और इसी समय के दौरान में जो पेपर था वो काफ़ी सस्ता हो गया था। पहले पेपर नहीं होते थे लिखने के लिए, लोग जो है पेड़ों की छाल पर लिखते थे, पेड़ों के पत्तों पर लिखते थे, है ना, और अब जो है पेपर काफ़ी सस्ता हो गया और काफ़ी आसानी से मिल भी जाता है। और यहाँ पर भी पेपर की वैल्यू देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि आजकल तो अगर हम कुछ भी खाना खाने के लिए जाते हैं यानी कि आसपास में, तो जो शॉपकीपर होते हैं वो भी आपको जो है पेपर में सामान पैक करके देते हैं, है ना, और उस समय तो इतना होता भी नहीं था। कि भी कुछ लोग जो है जो होली टेक्स्ट भी लिखते थे, ठीक है ना, होली टेक्स्ट माने पवित्र ग्रंथों को भी लिखते थे, ठीक है, कुछ जो है शासक होते थे उनके इतिहास के बारे में क्रमबद्ध चलता था उसको भी लिखा जाता था, और कभी कभी जो संतों की जो टीचिंग होती थी या उनके द्वारा लिखे गए कोई भी उपदेश होते थे, लेटर्स होते थे, उसको भी लिखा जाता था। इसी तरह से पिटीशन, ठीक है, और जुडिशियल रिकॉर्ड्स को भी देखते हैं, और कई कई जगह पर जो है मैन्यूस्क्रिप्ट को भी देखा गया है लोगों के द्वारा, ठीक है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट को भी कई लोग इकट्ठा करते थे। और कौन इकट्ठा करते थे, जो कि अमीर आदमी होता था, वेल्दी पीपल होता था, या कोई राजा होता था, या कोई मोनेस्ट्री या टेम्पल में, इन सभी को इकट्ठा करके रखा जाता था। और
आगे चलकर जो है इन डॉक्यूमेंट्स को या इन जो रिकॉर्ड्स को रखने के लिए बड़ी बड़ी जो है आर्चिव्स क्या होती है, इसको अभिलेखागार भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ऐसी जगह जहां पर सभी डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है उसको अभिलेखागार कहते हैं। तो इस तरह से कई चीज़ों को संभाल कर रखा जाता था पेपर्स को। अब आगे ये भी बता रखा है कि कई जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेट करना मुश्किल भी होता है। किस तरह से, जब पहले क्या होता था कि कोई भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, हाथ से लिखी हुई जो हैंडराइटिंग होती थी, ठीक है ना, उस डॉक्यूमेंट्स को जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब कोई दूसरा व्यक्ति उसको हाथ से लिखता था, और इसी तरह से उसमें समय भी लगता था और कई की बार त्रुटियां भी हो जाती थी, क्योंकि कई की बार जैसे कि आप भी किसी अपने फ्रेंड्स की कई बार नोटबुक लेते हैं और उसकी कॉपी करते हैं, तो उसके अंदर कई वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको समझ में नहीं आते, तो आप क्या करते हो, उसका अंदाज़ा लगा के लिखते हो ना कि भी ये क्या लिख रखा है। और इसी तरह से धीरे धीरे जो कॉपीज़ बनती गई, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी डिफरेंसेस आने लगे, और दूसरे एक व्यक्ति की राइटिंग दूसरे को समझ में नहीं आई, दूसरे की और तीसरे की नहीं आई, तीसरे को चौथे की नहीं आई। तो जो पहले जो मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रखी थी ना, और ओरिजिनल जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी और जो बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट थी, उसके अंदर काफ़ी अंतर देखने को मिलता है, और इसमें जो है इतिहास का काफ़ी परिवर्तन होता है। तो ये कई बार पता ही नहीं चलता कि जो क्या कहना चाहते थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है प्यारे बच्चों, एक बार पिक्चर को ही देख लो, पिक्चर सारी इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। यहाँ पर भी जो हमारे जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो वहाँ पर भी ये इस तरह की पिक्चर दे रखी थी, और ये भी जो व्यक्ति है वो किसी की कॉपी कर रहा है, देखो जैसे कि ये नोटबुक के अंदर लिख रहा है ना, वैसे ही देख कर। तो इस तरह से लोग पहले लिखा करते थे, और यहाँ पर जो है दो तरह की लिखाई आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट की साइड में, जो लेफ्ट की साइड में जो राइटिंग है, इसको जो है नस्तलीक के नाम से जाना जाता है। नस्तलीक ऐसी राइटिंग थी जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता था। तो ये जो राइटिंग है ये नस्तलीक है, और इस साइड की जो है शिकस्त, ये जो राइटिंग है शिकस्त, ये इस तरह की राइटिंग होती थी जिसको जल्दी से समझा नहीं जा सकता था। तो इस तरह की जो राइटिंग्स होती थी उसके राइटिंग्स के बारे में भी यहाँ पर बता रखा है। फिर हम यहाँ पर देखें कि भी कई बार जो ऐसा भी देखने को मिला है कि लोग अपने जीवन के बारे में दो बार लिख लेते थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर देखा है कि जो 14th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, एक इतिहासकार हुए थे जिसका नाम था जियाउद्दीन बरनी, उसने अपने जीवन के बारे में दो बार लिखा। पहली बार तो उसने 1356 में 1356 में लिखा, और उसके बाद में दूसरा उसने दूसरी बार अपने जीवन के बारे में 2 साल के बाद में लिखा था। तो जो पहला जो वर्णन था उसको हमने काफ़ी सालों तक पढ़ा और उनके बारे में जो सोच थी उसको हम मानते रहे, मगर 1960 के बाद में जब हमें जो उनका दूसरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स मिला, तब हमारे विचार उनके प्रति चेंज भी हो गए। तो इस तरह से हमारा लेसन यहाँ तक ही हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।